बादाम हमने ले लिए और इन्हें आप 7-8 घंटे के लिए गला देना है। ये फूल गए, फूल के तैयार हो गया। अब इसको हम लेंगे, इस तरह गो छिलके निकाल के सा हो गए ये ऐसे। रेडी वन बस गो। मिक्सी में पीसना है इनको, पीस के फिर अभी दिखाते हमारा हैं। 1 किलो दूध है, और इसको जब तक गर्म करना है जब तक ये कम से कम आधा किलो ना रह जाए, और इसी में हम ये शक्कर डालेंगे। इसमें आधा कप से भी कम शक्कर डालेंगे, 1 कटोरी। ये देखिए बस इतनी ही चीनी डालेंगे क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं होता। हम बादाम शेक बना रहे हैं, बादाम शेक तो इसके लिए कम ही मीठा होता है, थोड़े बहुत बादाम भी होते हैं मीठे। ये आधा किलो रह जाएगा जब तक हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है। अब हम ये शक्कर इसमें डाल देते हैं, बस थोड़ा ही मीठा हो गया। ये देखो हमारा 1 किलो दूध में से अब आधी किलो दूध रह गया है, गरम कर करके आधा घंटा लग गया इसको गरम करने में। ये देखिए अभी और गरम करते हैं, इसमें चीनी मिलाई है ना, उसको भी मिक्स होने दें, फिर ये ठंडा होगा, फ्रिज में रख देंगे। क्योंकि गरम गरम तो ठंडा नहीं पी सकते ना, ठंडा ही वो तो गर्म ही होती है बादाम से, गर्म नहीं होता ना वो तो, ठंडा ही अच्छा लगता है फ्रिज में रखने से। तो इसको बाद में हम दूध को फ्रिज में रख देंगे, फिर ठंडा ही बनाएंगे। ये देखिए हमने काजू और बादाम, थोड़े से पिस्ता, ये सब तीनों चीज़ें मिला दी है, और इसमें अब मिक्सी में पीसेंगे। पिस गो। गया है, पिस गया है, इस तरीके से पीसेगा। अब पीस के हम इसको दूध में मिक्स करते हैं। आइए दूध इसमें में, हमने ये देखिए पिंक रोज डाला हुआ है कलर, गो। इसमें हमने बादाम शेक में रोज सिर्फ डाला हुआ है, तो ये इस तरह ही, ये देखिए ये हमारा बनके तैयार हो गया है। और इसमें ये हमने खाली बादाम है, इसमें ये दूध हमने जो गाढ़ा करा था वो है। अब ये इसको चला देंगे, ये हमारा बादाम शेक बन गया। ये देखिए अच्छे से इसकी गुठलियाँ फूट जाएंगी, दो तरह से है। अब इसमें गार्निश करने के लिए थोड़ा आप 2-4 बादाम इसमें डाल दीजिए ऊपर से, ये मेरे भीगे हुए थे। ये इसमें अभी इसमें डूब गए हैं क्योंकि गिलास भरा हुआ है। देखिए ये डूब रहे हैं इसमें, तो ये डाल दिए मैंने, ये बादाम शेक बन गया हमारा। ये देखिए बादाम और पिस्ता शेक है इसमें, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा पिस्ता भी डाला हुआ है, और ये इसमें ये बादाम डाला हुआ है इसमें भी है। 3 तरह के शेक बनाए हैं, इसमें मैंने रोज सिर्फ डाला है, इसमें बादाम वो डाला है, ये पिस्ता पीस के जो पिस्ते से ये कलर आया है, ये मेरा बादाम शेक है, ये पिस्ता शेक है,